लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, कुछ दिन में ऐलान कर दूंगा, हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। NA 237 कराची के नतीजे मानने से इनकार, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। जिमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं पीटीआई को गैर आईनी काम का लाइसेंस मिल गया, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं एक शख्स इक्तदार की लालच में अंधा हो गया, हुकूमत 6 सीटों के साथ यलगार करने से नहीं आएगी। जहां जीते हक की फतह, जहां हारे धांधली का नारा, वाह इमरान खान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन पीटीआई के इल्जाम पर तबसरा, कहा इमरान खान को मरीर में दोबारा इंतखाबात का शौक है तो पूरा कर लें, ज्यादा भारी मार्जिन से हराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूसुफ गिलानी और अली मूसा गिलानी से टेलीफोन पर राबता, मुल्तान के जिमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी, उनकी फतह को पीडीएम की जीत करार दे दिया। और आजम सवाती की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर पीटीआई सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में धरना, नारेबाजी, आप हुकूमत की तरफ दारी कर रहे हैं, फैसल जावेद का सादिक संजरानी से मुकालिमा।